इतनी गर्मी में बेस बनाना बहुत मुश्किल काम है और ऊपर से लाइट भी नहीं आ रही थी इस टाइम। फ्रेंड, पैर रखने तक के लिए जगह नहीं थी इस ट्रेन में, हार के हमें ये ट्रेन छोड़नी पड़ी। फ्रेंड, मेले में आके एक चीज तो बहुत सस्ती मिल जाती है, क्रॉकरी का सामान जो है ना, कितना वीआईपी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा एक और नए ब्लॉग में। कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। फ्रेंड, मैं भी एकदम ठीक हूँ। आज एक बार फिर से काम आ गया फ्रेंड, काम क्या है, ब्राइडल है, ब्राइडल को तैयार करना है और अभी चलता हूँ मैं। पता नहीं यार, दीदी पहले नहीं बताती हैं, एकदम अर्जेंट में बताती हैं। अगर पहले बता दी तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ ना कि यार हाँ आज भी वहाँ जाना है कि नहीं जाना है। तो अभी मैं चलता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि आज का मेकओवर कैसा रहता है उनका। फ्रेंड, पार्लर में हम आ गए और आज इतनी गर्मी है ना कि मेकअप करना बहुत ही मुश्किल काम है। दोनों लोग बहुत परेशान हो रहे हैं हम, और अभी कुछ ऐसा हो पाया इनका आई मेकअप भी हुआ अभी तो। फ्रेंड, खाली आई मेकअप में इतना टाइम लग गया था और बेस हमने अभी बनाया नहीं है पूरा, अभी एक कोट अभी दोबारा से करते हैं। फ्रेंड, ये वाला मेकअप हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था क्योंकि इनकी स्किन भी बहुत ऑयली थी और जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजर होता है, तो ये स्किन पर चिपकना बहुत मुश्किल हो रहा था, तब जाके ऐसा कुछ बना इनका फेस। फ्रेंड, अभी मुझे बाहर निकलना भी और बस इनका थोड़ा होने वाला है, समथिंग रेडी हो चुका है कुछ ऐसा लुका है। चुन्नी कुछ ज्यादा पतली नहीं आई है ना, कुछ ज्यादा पतली। हाँ, कैसे लगवानी है, साड़ी वाली पिन लगवानी है, वैसे लगवाओगे जैसे अभी फ्री है एकदम? आप तो बताओ कुछ। नहीं, नहीं। अपने तरीके से ही लगा दें जैसे कुछ ऐसे भी सही रहेगा ना, इसको ऐसे करके फिर चलो करते हैं। अभी फाइनली चुन्नी लग चुकी है ओवरऑल, अभी बिंदी रह गई। हाँ यार, इनका कहना है, मुझे नहीं पता मैं कैसे लग रही हूँ, और देखेंगे और बताएंगे। तुम्हें खुद को तो अच्छा लगना चाहिए ना, खुद एक बार शीशे में देख लो अपने आप को। फ्रेंड, हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि सिंपल लगाएं या ये वाली बिंदी लगाएं, तो इनका कहना है कि थोड़ी अच्छी वाली लगाओ, तो इसलिए ये लगा रहे हैं। ये ठीक है, ये ठीक है फ्रेंड, ये वो शर्मा रहे बेचारे। फ्रेंड, फाइनली इनका पूरा मेकओवर हो गया, कुछ ऐसा लुक निकल गया है और इन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसी लग रही हूँ। और अभी मुझे बनारस में निकलना है, बस बहुत जल्दी जल्दी हम लोगों ने करा है भाई। आज तो पूरे पसीना छूट गए क्योंकि इतनी गर्मी है और अभी भी इन्हें थोड़ा पसीना पसीना हो रहा है, तो कुछ ऐसे लगे हैं। नहीं, ये बहुत सीधे हैं बेचारे। फ्रेंड, वहाँ से फ्री होके आ गया था और अब मैं निकल रहा हूँ कहाँ के लिए, बनारस के लिए। वहाँ पे फ्रेंड के भाई की शादी है तो वहाँ जाना है और हमें बस भी नहीं मिल रही है यार जल्दी से। ये हाथ जोड़ कर रोक रहा है, इतना टाइम हो गया खड़े खड़े, कोई बस ही नहीं रोक रहा, हाथ जोड़ने पड़ रहे। पाँव में गिरता बस के, आप पाँव तो उसे गिरेगे बस वाले। और फ्रेंड इधर ही अरविंद है, कभी बात नहीं करता। राम राम दोस्तों, आज हम बहुत दूर जा रहे हैं, बताएंगे नहीं? बता दिया मैंने। फ्रेंड मिलते हैं फिर वहाँ पहुँचे, क्योंकि बस में वो सॉरी ट्रेन में भी बहुत ज़्यादा भीड़ होगी और इतना भारी बैग है, तीन दिन का टूर है वहाँ का। मुरादाबाद आ गए, अब यहाँ से जाएगा अमन घर बाइक लेके, क्योंकि हम ट्रेन पकड़ेंगे। ठीक से जाना है, बिल्कुल आराम से जाऊँगा, अब गाइस मुझे जाना पड़ेगा, रोडवेज तो मुझे नहीं वहाँ से। हाँ कोई बात नहीं, अब फ्रेंड हमारी ट्रेन है मुरादाबाद से, उसे पकड़ते हैं टाइम से फिर निकल लेते हैं। फ्रेंड, इस ट्रेन में इतनी भीड़ है, आप देख सकते हैं एक पैर रखने की भी जगह नहीं है, और खड़े हुए भी इंसान को कभी इधर से ढकेलना कभी इधर से ढकेलना, तो भाई बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था मैं तो और अरविंद भी। फिर हमने हार के फाइनली डिसीजन किया कि हम लोग बरेली में उतर जाएंगे, और अगर कोई दूसरी ट्रेन मिलती है तो फिर हम उसमें बैठेंगे, नहीं मिलती है तो फिर हम वापस अपने घर जाएंगे। बहुत भीड़ थी। फ्रेंड, मैं तो इस ट्रेन से उतर चुका हूँ, मेरे बस की नहीं है भाई जाना, वहाँ पे एक पैर भी नहीं रखने दे रहे लोग, कोई इधर से कोई इधर से। बरेली वो है, ये रेलवे स्टेशन है बरेली का, हम लोग यहाँ पे उतर गए, इसमें तो इतनी भीड़ है तो जाने का कोई मतलब ही नहीं है। अब देखते कोई दूसरी ट्रेन मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर घर के लिए निकलना पड़ेगा। फ्रेंड, द्वारा से मुरादाबाद स्टेशन पर आ गए बरेली से, ये देखो
भाई इतनी भीड़ थी मेरे बस की तो जाना नहीं था। अरविंद बोला फिर चलते वापस ही, क्योंकि इतनी सारी भीड़ है और 12 घंटे का सफर है, तो कहाँ तक करते हम लोग। अब सीधा घर जा रहे हैं गजोला अपने। फ्रेंड मुरादाबाद से आ गए दीदी के घर पे, अब आराम से सुबह में जाएंगे। दीदी ने तो भेजा नहीं, खाना वाना बना दिया था, खा लिया पी लिया आराम से, थक गए हैं बहुत। और इधर ये अमन और दीप ये अरविंद यहाँ पे लेटने वाले। दीदी को परेशान कर दिया है दीदी, परेशानी काहे की। फ्रेंड देखो दीदी ने अभी अभी खाना बनाया था बेचारों ने, 1 बज रहा है पूरा, 1 बजे गरम गरम खाना खाया भाई, मजा आ गया। कभी कोई परेशान हो ना दीदी, यही तो बात है, अपना इंसान होता है तो कहीं भी किसी भी टाइम पहुंच जाओ। बहने तो भैया के इंतजार कब आएंगे। फ्रेंड अब आराम से सो लेते हैं, सुबह में उठेंगे जाएंगे सीधा घर, अम्मा खुश हो जाएगी देख के। फ्रेंड हम लोग दीदी के यहाँ से आ गए हैं भाई। उस वाली ट्रेन को छोड़ना मेरी बहुत बड़ी मजबूरी बन गई थी, क्योंकि वो लोग एक पैर पे भी नहीं खड़े होने दे रहे थे यार। आपने देखा तो था, मैंने ज़्यादा क्लिप भी नहीं ली, क्योंकि वहाँ पे इतने अलग टाइप के बंदे थे, वो फ़ोन भी छीन सकते थे, चुरा लेते मतलब ऐसे। और फ्रेंड इधर देखो बन रहा है खाना, पता नहीं क्या बन रहा है इसमें, इतना धुआं हो गया, लौकी बोल रही है फ्रेंड इधर। और इधर बैठा हुआ है दीपक, और अम्मा भी नींद में है। हेलो 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 बच्चो, कैसी हो? बढ़िया, मैं भी बढ़िया, बच्चे भी बढ़िया, राजपुती रहो। अपनी बताते नहीं जे खुशखबरी, सब खुशखबरी बता करो बेटे। फ्रेंड अम्मा बैठी इन कपड़ों की तय करने के लिए, और अभी कपड़े बर्तन उधर बाकी बचे हुए हैं। और तुम बोलो क्या कहना चाहोगे? बढ़िया हम भी, तू बता। अब तो बड़ा तमीज आ गया। ये अचानक से तमीज आने का कारण क्या है? तो था ही तमीज, कब ना था। हाँ ये तो है, मामला गंभीर है फ्रेंड, कोई बात नहीं कर रहा मेरे से। ये दीपक भी नहीं कर रहा है, ये देखो कोई बात नहीं कर रहा है, कुछ देर में मैं खुद ही रवाना हो जाऊंगा। फ्रेंड मैं आ गया हूँ नीचे, और इधर भाभी पिला रही है इसको दूध। ये देखो कैसे स्टाइल से पी रहा है, कैसे नोड़ कर क्यों पीता है। हेलो गाइस, अवंतिका इधर, हेलो गाइस करो अवंतिका। तो थोड़ा आराम से तो बोलेगा, इतना तेज तेज बोलती आते। चुटी किसने बनाई? किसने? साबुन बता दो। ये थे छोटी। फ्रेंड घर पे मन नहीं लग रहा था, तो मेरे इकलौते दोनों दोस्त मिए ले आए निवाइस दिखाने के लिए हसनपुर। ऐसे आ गए गंदे का, उसके बाद भी आगे बहन का भाई चलो कुछ तो एंटरटेनमेंट होगा ही अंदर जाके, जबरदस्ती भाई को बिठा के लेकर। फ्रेंड फ्रेंड मेले में आके एक चीज तो बहुत सस्ती मिल जाती है, क्रोकरी का सामान जो है ना, कितना वीआईपी सामान है यार। देखो जो दुकानों में मिलता है उससे भी ज्यादा वीआईपी सामान यहाँ पर है, अब बहुत नॉर्मल से रेट में मिल जाता है ये। ये देखो फ्रेंड अभी हम लेने वाले हैं बड़ा वाला कप, दूध के कप जो होता है भाई, वाला कप दिखाना नीचे बड़ा वाला। हाँ फ्रेंड ये कॉफी पीने की ज्यादा आदत है, मतलब थोड़ा ज्यादा तीन ले लिए, आधी किलो तो इसमें ना जमा जाएगा। तीन ले लिए हमें तो चाहिए। फ्रेंड तीन के लिए बोल रहे हैं, एक के लिए पैसे है। तुम मुझे लेके आयो तो तुम दिलवाओगे? लेगा तीन। कितने का भाई? 80। इससे ही बड़ा है कोई? ये वाला सेम है क्या साइज? फ्रेंड एकदम अलग अलग वैरायटी के हैं, ये देखो साइड कितना मस्त लग रहा है ना, केसी वाला छोटा भी है, देखो छोटा भी है, ये वाला छोटा कितना मस्त है। असल में तो यारी चीजें होती है तो सौ पीस वाली जो होती है ना, ग्राफ्ट वाली, कितनी कितनी हैवी चीजें है यार, कितनी मस्त लगती है चीजें। ये सब हैंडमेड है, हैंडमेड ना होती ना जी, पागल बना में ना यार। ये देखो फ्रेंड लैंप है, बिजली वाला, बिजली वाला ना, हाथ वाला ही है। अच्छा बिजली वाला है, बिजली वाला है, ये पूछ के देखता हूँ भैया। ये वाइन सेट कितने का है? ये 280 का। मेरे में ये वाली चीज सबसे ज्यादा बेस्ट है मेरे लिए। फ्रेंड ये वाले बॉक्स कितने अच्छे हैं, 100 के 3 सीप में है एकदम, और पैकिंग अच्छी वाली है, हैवी हैवी पैकिंग है, कहीं भी कुछ भी पैक करके ले जा सकते हैं इसमें। कितने के हैं भाई ये? 100 के 3 ये वाले। ये क्या प्लास्टिक है? फाइबर
और फ्रेंड बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, एकदम मार्बल जैसे लग रहे हैं। फ्रेंड ये देखो कितने मस्त मस्त सेट रखे हैं, ये देखो ये वाला पूरा सेट। यार अगर पैसे होते ना तो कितने खूबसूरत खूबसूरत है। फ्रेंड ये फ्रूट आइसक्रीम है, यहाँ पे एक कप ले लेते हैं, कितने का है भाई ये? 40। जावे जाओ एक एक कूपन लेकर आओ जाके। फ्रेंड एक कप में 3 हिस्से होने वाले आज, एक ले ले चल बाकी हम ले लेंगे। इधर इधर मेरे हाथ में इसलिए ये तीनों दोनों ने बीच में बिठाया जिससे कि बराबर बराबर बटेगी। चल चल अब रुका नहीं, हम खत्म कर लेंगे। ब्रांड खा लेते, पहले मैं खा के बताऊंगा ना कैसी है। इतना 39 मिल रहा है, नींबू डाल लेता है संतरा। फ्रेंड वैसे तो अच्छी है, खा लेते हैं। फ्रेंड मैं आ गया हूँ मेले से, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वहाँ पे घूमना, बहुत कम भीड़ थी और जी बाकी मैं क्लिप नहीं ले पाया था क्योंकि फ़ोन एकदम डाउन हो जाता है, आपको पता ही है। फ्रेंड अभी मिलते हैं अगले ब्लॉग में। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।